बुद्धा और भिखारी। एक समय की बात है, एक बेघर इंसान था और वो खाना इकट्ठा करता था। उसने ये ध्यान दिया कि हर दिन उसका खाना गायब हो जाता है। एक दिन उसने उस चूहे को पकड़ा जो उसका खाना चुराता था। ओ तुम चूहे, मेरा खाना क्यों चुरा रहे हो? मैं एक बेघर इंसान हूँ, जाकर अमीरों का खाना चुराओ, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। पर ये मेरे भाग्य में है कि मैं तुमसे चुराऊं। क्या, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में है कि तुम अपने पास सिर्फ 8 चीजें ही रख सकते हो। चाहे तुम कितना भी भीख मांग लो, चाहे तुम कितना भी इकट्ठा कर लो, तुम केवल उतनी ही चीजें रख पाओगे। उस बेघर इंसान को सदमा लगा और उसका दिल भी टूट गया। भला कौन ऐसी किस्मत पाना चाहेगा? मेरी ऐसी किस्मत क्यों है? मुझे नहीं पता, तुम्हें जाकर बुद्धा से पूछना पड़ेगा, शायद उनको पता हो। इस तरह बेघर इंसान यात्रा पर निकल पड़ता है बुद्धा को ढूंढने। वो पूरा दिन यात्रा करता है और शाम को वो अपने आप को एक धनी परिवार के घर पाता है। थका हुआ और निद्रा ग्रस्त वो वहाँ रात बिताने का फैसला करता है। तो वो जाकर दरवाजा खटखटाता है। भाई साहब, अंधेरा हो रहा है और मैं यहाँ नया हूँ, कृपया मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ? ठीक है, अंदर आ जाओ। जैसे ही भिखारी अंदर आता है, वो आदमी उससे पूछता है, अरे भाई, क्यों और कहाँ के लिए इतनी रात को यात्रा कर रहे हो? ओह, मेरे पास बुद्धा के लिए एक सवाल है और मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। उसी क्षण अमीर आदमी की पत्नी आते हुए ये सुनती है, क्या हम तुम्हें एक सवाल दे सकते हैं बुद्धा को पूछने के लिए? ओह ठीक है, शायद मैं आपकी ओर से पूछ सकता हूँ, आपका सवाल क्या है मेम साहब? हमारी एक 16 साल की बेटी है जो बोल नहीं सकती। हमें बस ये पूछना है कि हमें क्या करना होगा ताकि वो बोल सके। तो अगली सुबह ही बेघर इंसान उन्हें आसरा देने के लिए धन्यवाद करता है और आश्वासन देता है कि वो उनके सवाल बुद्धा से जरूर पूछेगा। अलविदा। और वो अपनी यात्रा जारी रखता है और वो पहाड़ों का झुंड देखता है जो उसे पार करना है। हे भगवान, मैं इसे कैसे पार करूं? वो एक पहाड़ पार करता है और उसे एक जादूगर मिलता है। भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसे पार करने में? चढ़ जाओ। भिखारी जादूगर की छड़ी पर चढ़ जाता है और जादूगर के पीछे बैठता है। वो जादूगर अपनी छड़ी का इस्तेमाल करता है खुद को और भिखारी को उन पहाड़ों के झुंड को पार करने में। जैसे ही वो पहाड़ों के झुंड के ऊपर से उड़ते हैं, जादूगर उस इंसान से पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इन पहाड़ों को क्यों पार करना चाहते हो? मैं जाकर बुद्धा से मिलकर पूछने वाला हूँ मेरे भाग्य के बारे में। सच में? कृपया मैं भी एक सवाल दे सकता हूँ तुम्हें बुद्धा से पूछने के लिए। मैं 1000 साल से स्वर्ग जाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक स्वर्ग चले जाना चाहिए था। क्या तुम बुद्धा से पूछ सकते हो मुझे क्या करना होगा स्वर्ग जाने के लिए? बेशक, मैं आपका सवाल उनसे पूछूंगा। जैसे ही वो अपनी यात्रा जारी रखता है, उसे एक आखिरी रुकावट मिलती है, एक नदी जो वो पार नहीं कर सकता। अब ये क्या, मैं इस गहरी नदी को कैसे पार करूं? सौभाग्य से उसे एक बड़ा कछुआ मिलता है जो उसे नदी पार कराने का फैसला करता है। जैसे वो नदी पार कर रहे होते हैं, कछुआ उससे पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बुद्धा से मिलने जा रहा हूँ और मैं उनसे एक सवाल पूछूंगा अपने भाग्य के बारे में। क्या तुम मेरे लिए उनसे एक सवाल पूछोगे? बेशक, क्या सवाल है? मैं 500 सालों से एक ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी शिक्षा के अनुसार मुझे अब तक एक ड्रैगन बन जाना चाहिए था। कृपया तुम बुद्धा से पूछोगे कि मुझे क्या करना पड़ेगा एक ड्रैगन बनने के लिए? धन्यवाद प्यारे कछुए, मुझे नदी पार कराने के लिए। मैं आभारी रहूंगा, मेरा सवाल पूछना मत भूलना। बिल्कुल नहीं,
मैं तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा। वो बेघर इंसान बुद्धा को ढूंढने की यात्रा जारी रखता है और आखिर में वो पहुंच जाता है जहां वो रहते हैं। वो भिखारी मठ के पास खड़ा रहता है और एक लंबी सांस लेता है। पहुंच गया मैं, आखिर मिल ही लूंगा महान बुद्धा को। वो बेघर इंसान अंदर प्रवेश करता है, जोशपूर्ण और आनंदित, तैयार होकर खुद के और बाकियों के सवाल पूछने के लिए। वो अंदर प्रवेश करता है और महान बुद्धा के सामने सादर प्रणाम करता है। कृपया मेरा नमस्कार स्वीकार करें बुद्धा, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए। क्या मैं उन्हें पूछ सकता हूँ? बेशक पूछ सकते हो, पर मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा। याद रहे, केवल 3 सवाल। वो इंसान हैरान रह गया, उसके पास 4 सवाल थे। पर मेरे पास 4 हैं, अब मैं क्या करूं? तो वो ध्यान से सोचता है। वो कछुए के बारे में सोचता है। कछुआ 500 सालों से जी रहा है ड्रैगन बनने की कोशिश में। बेचारा प्राणी, जिंदगी कितनी कठिन होती होगी उस गहरी नदी में रहना। फिर वो जादूगर के बारे में सोचता है जो 1000 सालों से जी रहा है स्वर्ग में जाने की कोशिश में। ओह, 1000 साल काफी लंबा समय है, उसे अब स्वर्ग जाना ही चाहिए। आखिर में उस लड़की के बारे में वो सोचता है जो अपनी पूरी जिंदगी जीने वाली है बिना कुछ बोले। आह, पूरी जिंदगी बिना बोले, ये क्रूरता है। और फिर वो अपनी ओर देखता है। मैं बस एक बेघर भिखारी हूँ, मैं वापस अपने घर जाकर भीख मांगना जारी रख सकता हूँ, मुझे इसकी आदत है, कुछ भी नहीं बदलेगा। पर उन लोगों के लिए सब कुछ बदल सकता है अगर उन्हें अपने जवाब मिले तो। तो जैसे ही उसने दूसरों की समस्याओं की ओर देखा, अचानक उसे खुद की समस्या छोटी लगने लगी। उसे बुरा महसूस हुआ उस कछुए, जादूगर और उस लड़की के लिए, और इसलिए उसने उनके सवाल पूछने का फैसला किया। और जाहिर है बुद्धा ने जवाब दिया। कछुआ अपना ढांचा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वो अपने ढांचे के आराम से बाहर नहीं आएगा, वो कभी ड्रैगन नहीं बन सकता। ओह, किसने ये सोचा होगा? वो जादूगर हमेशा अपनी छड़ी साथ रखता है, कभी उसे नीचे नहीं रखता, और ये एक आसरे की तरह है जो उसे स्वर्ग जाने से रोक रहा है। ओह, मैं उन्हें जरूर ये बताऊंगा। और उस लड़की का क्या? रही बात उस लड़की की, वो जरूर बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी। धन्यवाद ओ महान बुद्धा। बुद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। वो बेघर इंसान ने बुद्धा को प्रणाम किया और अपने घर की ओर वापस निकल पड़ा। उसे वो कछुआ फिर से मिला। क्या तुमने पूछा? हाँ बेशक, तुम्हें बस अपना ढांचा निकालना है और तुम एक ड्रैगन बन जाओगे। वो कछुआ अपना ढांचा निकालता है और उस ढांचे के अंदर बेशकीमती मोती थे जो गहरे समंदर में मिलते हैं, और वो उसे उस बेघर इंसान को दे देता है। इन्हें तुम रख लो, मेरी तरफ से धन्यवाद है। मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं एक ड्रैगन हूँ। धन्यवाद, भले इंसान। और वो उड़ जाता है। अब वो बेघर इंसान उस जादूगर से मिलता है एक पहाड़ की चोटी पर। आपको बस अपनी छड़ी नीचे रखनी होगी और आप स्वर्ग जा पाओगे। सच में? यही बुद्धा ने कहा था। इस तरह जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और उस इंसान को अपनी छड़ी देकर उसे धन्यवाद कहकर वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करता है। अलविदा इंसान, अच्छे से रहना। उस इंसान के पास अब कछुए का दिया हुआ धन है और जादूगर की शक्ति भी। वो वापस उस परिवार के पास जाता है जिसने उसे आसरा दिया था। वो उसे देखकर खुश हुए और जवाब की उम्मीद करने लगे। महान बुद्धा ने कहा कि आपकी बेटी तब बोल पाएगी जब वो अपने हम सफर से मिलेगी। और उसी क्षण बेटी नीचे आई और वो बोली, क्या ये वही आदमी है जो पिछले हफ्ते भी यहाँ आया था?
वो लड़की और उसके माता पिता हैरान थे। वो उस बेघर इंसान की ओर देखते हैं। वही उस लड़की का हमसफर था। माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी और वो हमेशा खुशी से रहने लगे। तो याद रखना दोस्तों, इस संसार में तुम जो भी अच्छा करते हो वो वापस तुम्हारे पास ही आता है।